अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं लिया पंजाब पाकिस्तान से हूँ। दोस्तों आज मैं कैंपटाशा 2022 का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं इसे कैसे यूज करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोटेशन। तो यहाँ पर आज इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये टेक्स्ट वाले टूल आ चुके हैं और ये एरोस आ चुके हैं। आज हम यहाँ ये देखें टेक्स्ट वाला जो है ना, हम ये इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इनके इसमें स्टाइल आ जाते हैं टेक्स्ट के। तो आप ये कैसे इनके अपनी वीडियोस में लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप मीडिया में आ जाते हो, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं आप अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एड टू टाइमलाइन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन में आ चुकी है वीडियो। और यहाँ पर अब हम इसमें टेक्स्ट कैसे अप्लाई करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोटेशन वाला ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत सारे हमें टूल्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं अपनी वीडियोस में, कैसे इनके यूज करना है आपने। तो यहाँ पर आप देखें कोई भी यहाँ पर आप टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसे सिंपल है ड्रैग करके आप यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर आप सिंपल राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन कर देंगे तो सिंपल आपकी टाइमलाइन टूल बार में आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, तो इधर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपटाशा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसे आप जूम भी कर सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। तो कैसे जैसे इनके आप रखना चाहते हैं अपनी वीडियो में। तो अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर आप देखें प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है। तो ये प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है, इसमें इनके बहुत सारे इनके आ जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप चेंज करना चाहें। यहाँ पर ये देखें बहुत सारे इनके आ जाते हैं, आप कोई सा इसका फॉन्ट ले सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखें आप, ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो स्पेस आई हुई है, ये आप कैसे इनके इसको कैसे इनके आपने अपने टेक्स्ट इस पूरे इनके एरिया के अंदर आपने लेकर आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज, तो यहाँ पर ये देखें, ये जितना मर्जी आप साइज रखना चाहते हैं रख सकते हैं और इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर 300 लिखता हूँ तो यहाँ सिंपल ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप 500 अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, जितना मर्जी आप यानी कि टेक्स्ट को आपने बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ये देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें लाइन शो कर दिया इसने टेक्स्ट के नीचे। अगर मैं इससे एबी वाले जो है सिलेक्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आपके टेक्स्ट के अंदर यानी कि लाइन शो हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप अलाइनमेंट ये सेट कर सकते हैं जहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें वी स्पेसिंग, तो ये देखें दोस्तों इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर आप देखें एच की स्पेसिंग, तो यहाँ पर आप देखें आपके टेक्स्ट में इनके स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, आप इसे यूज करें अपनी वीडियोज में एडिटिंग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल कर देता हूँ ऑटो साइज, तो ये दोस्तों चेक ही रहने दे रहे हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों आगे वाले पे। ठीक है, तो ये वाला भी टेक्स्ट वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका बैकग्राउंड है टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं अपनी मर्जी का जो आप लेना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड लेना चाहते हैं या ग्रेडियंट, तो वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे आप यूज करना चाहें। और दोस्तों इसकी ओपेसिटी भी आप तेज कम करना चाहें, जितनी मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलाइन, तो यहाँ पर ये देखेंगे वाली आउटलाइन सिलेक्ट है, तो यहाँ पर ये वाइट है, मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो यहाँ पर आप देखें इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें स्ट्रोक लगना शुरू हो चुकी है, ठीक है आउटलाइन। तो दोस्तों जितनी मर्जी आप चाहें रख सकते हैं, यहाँ पर आउटलाइन में बहुत सारे अंक आ जाते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये आ चुकी है, अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और आउटलाइन, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की है। तो ये आप अपनी टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर यंग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहीं से शुरू हो, तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और ऐड टू टाइमलाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम उस जगह पर आ गया। तो अगर आप ऐसे ना आए तो आपने सिंपल एंड ड्रैग करना है यहाँ से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से कैसे इनके आपने टेक्स्ट को लिखना है। तो ये बहुत सारे इनके टेक्स्ट आ जाते हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो यहाँ पर अब आगे वाले इनके इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है हमारा एरोस और लाइन। तो दोस्तों ये जो है हम लोगो वगैरह बनाने में यूज करते हैं इसका बहुत। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं ये इसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे इनके यूज करना है आपने। तो दोस्तों आपने मिस नहीं करने, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जाकर तो उन्हें प्लीज देखें, फिर ही यानी आपको इनकी समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप्स, तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त शेप्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन्हें डिटेल में इनके समझाऊंगा। इससे आगे हम आ जाते हैं ब्लर, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ब्लर, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनके समझा देता हूँ ब्लर कैसे यूज करते हैं। रख देता हूँ और यहाँ पर आप अभी आप देख रहे दोस्तों कैसे इनके ब्लर यूज करते हैं। अब ये देखें आपकी इनकी फाइल है, आप इसे छुपाना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को आप इस वीडियो में छुपाना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर ब्लर में जाएंगे और यहाँ पर ये देखें सिंपल है, इसके ऊपर आपने रख देना है इसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम हो, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो तो आप यहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल इनके लाइन शो कर देगा, बिल्कुल सेम पोजीशन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये देखें ब्लर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें आप, ये ब्लर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी इनका ब्लर कर सकते हैं अपनी वीडियो में, कोई भी लोगो वगैरह है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है आपकी वीडियो में, तो आप ये ऐसे ब्लर कर सकते हैं उसे। और सिंपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आप देखें इन वर्ड, तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर इसका रिजल्ट मिल ही गया होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन वर्ड काम कर रहा है, ये उल्ट काम कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये देखें इन वर्ड पर से क्लिक करता हूँ या हटाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें सिंपल वही यानी कि वर्ड जो है ब्लर कर रहा है। अगर मैं इस पर इनवर्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बाकी जो एरिया है उसे ब्लर कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी मर्जी से देखें इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों इससे आगे वाला जो है स्पॉट लाइट, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रैग करके लेके आता हूँ तो ये देखें, ये सिंपल है, कोई भी इनके आप चीज़ बताना चाहते हो, कोई भी इनके आप फोकस करना चाहते हो किसी चीज़ पर, तो सिंपल है ये, उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसका, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आप इसे अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देखें कैसे इनके आपने यूज़ करना है इसे, तो समझ लग ही गई होगी आपको।
तो दोस्तों इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इस वाले पे आ जाते हैं हाइलाइट्स। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है हाईलाइट, तो हाईलाइट करने के लिए होती है कि जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं उसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं इसके फेस को यहाँ की हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुकी है। तो ये देखें आप दोस्तों, हाईलाइट हो चुकी है। तो आप भी ये दोस्तों इसे यूज़ करना अपनी वीडियोस में, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ वगैरह में यहाँ के यूज़ कर सकते हैं, जो कोई भी यहाँ के आपने आर्टिकल वगैरह लिखा है, तो जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पर आप देखें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखना, तो ये जो है हमारे पास पिक्सलेट, तो यहाँ पर आप देखना ये हमारे पास पिक्सलेट। तो यहाँ पर आप इसे देखना है इसका क्या यूज है। आप ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का है बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें अगर फेस पर करते हैं तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल ही यानी के पिक्सल्स में यानी के इसने कर दिया ब्लर, ठीक है। आप इसे यूज करें और जो आसपास का एरिया है उसे मिक्स कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें आप दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त किस्म की है, से आप यूज करें। और अगर मैं इसे टेक्स्ट पर यदि अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों देखें क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गायब हो चुका है हमारा टेक्स्ट, बल्कि थोड़ा सा पिक्सल्स नहीं आ रहा है बिल्कुल। एक दो मतलब आप इसे लेयर्स में ऊपर नीचे यानी कि अप्लाई करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल ही यानी कि आपका ये खत्म कर देगा जो भी यानी कि आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का यानी कि आप ब्लर वाला है पिक्सलेट, तो इसे आप ब्लर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखें स्केच मोशन। तो ये मोशंस के लिए होता है। आप यहाँ पर ये देखें दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये देखें कोई भी चीज़ यानी कि आपने बार यानी कि दिखानी हो, बार बार यानी कि आप दिखाना चाहते हो कि ये देखो भाई यहाँ पर ये देखें। अगर मैं इसे लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं जैसे आप रखना चाहें, ठीक है। तो फुली हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं इसे, ठीक है। तो कैसे कि आप जैसे यूज करना है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जिस कलर में भी आप चेंज करना चाहें। तो स्केल में आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं तो इससे ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे घुमाना हो, रोटेट करना हो तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें आप इसके आगे यानी के देखें, ये जैसे यानी रोटेट वाला ऑप्शन आता है आप इसे रोटेट भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और आपको मैं चीज बताता हूँ इसमें, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें रोटेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें, ये जैसे मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ सिंपल है, देखें रोटेट कर रहा है। तो इसे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, खुद से जैसे कि आप रोटेट करना चाहें। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इससे आगे वाला जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल ए, यानी कि आप कोई भी चीज बताना चाहते हैं कुछ भी यानी कि आप शॉर्टकट के इसके बारे में बताना चाहते हैं यानी कि कुछ भी यानी कि ए बी सी जो हमारे अल्फाबेट्स हैं तो उन्हें शो करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें इसे, यहाँ पर ये देखें ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखना, इसे इधर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये देखें ग्रे,
तो ये बिल्कुल ग्रे में आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि आप करना चाहें। तो ये ग्रे में आपके जबरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कंट्रोल ए, ये देखें यहाँ पर आपने सिंपल है क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है कि आपने शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक है। कैप्स लॉक दबाता हूँ, ये देखें कैप्स लॉक दबाया तो कैप्स लॉक वाला बटन है, कोई भी आप बटन दबा सकते हैं। इंटर करना चाहता हूँ तो इंटर वाला आ जाता है, नेक्स्ट पेज दबाना चाहता हूँ तो ये सिंपल है, आप देख सकते हैं। इसे आप ट्राई करके देखें अपनी वीडियोस में, खुद से एडिटिंग करें, सीखें कैसे इनके यूज़ होता है, फिर ही इनके आपको इसका एक्सपीरियंस होगा कैसे इनके आपने यूज़ करना है इनका, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में इनका मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे इनके आप ये यूज़ कर सकते, बहुत ही इनके ज़बरदस्त किस्म का कोर्स होने वाला है ये हमारा। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।